मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में, आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। न्यायिक पदाधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के साथ हुई बैठक। आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि इस लोक अदालत के जरिए अधिक से अधिक लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों और न्यायालय कर्मचारियों के जरिए पक्षकारों को न्यायालय में बुलाकर प्री काउंसिलिंग करें, उन्हें लोक अदालत के फायदों से अवगत कराएं। जितना अधिक प्री काउंसिलिंग होगा उतना अधिक मामलों का निपटारा होगा। उन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप अदालतों से मुकदमों का निपटाना होगा। बैठक में अवर न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव रंजन देव सहित दरभंगा सदर के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे। वहीं बैंक अधिकारियों के साथ भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि अभी तक जो बैंकों से रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं वो धीमी पाई गई है। कुछ बैंक अभी भी लोक अदालत में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सभी बैंक अपनी सभी शाखाओं को निर्देशित करें कि वे लोक अदालत के लिए नोटिस तैयार करें। मैट्रिक परीक्षा को लेकर वीक्षकों का हुआ रेंडमाइजेशन। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए दरभंगा सदर के 48 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर के 6 एवं बिरौल अनुमंडल के 8 परीक्षा केंद्रों के लिए क्रमशः 3146, 513 एवं 494 को कुल 4153 वीक्षकों का रेंडमाइजेशन किया गया। इनमें सदर अनुमंडल के लिए 1807 पुरुष एवं 1339 महिला, बेनीपुर अनुमंडल के लिए 341 पुरुष, 172 महिला, वहीं बिरौल अनुमंडल के लिए 350 पुरुष एवं 144 महिला वीक्षक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि दरभंगा सदर के 2337, बेनीपुर के लिए 299 एवं बिरौल अनुमंडल के लिए 342 कुल 2984 वीक्षकों की आवश्यकता है। डीएमसीएच परिसर में देर रात तक चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। शहर दरभंगा में अतिक्रमण की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। एक तरफ से अतिक्रमण हटाया जाता है तो दूसरी तरफ से पुनः अतिक्रमणकारी कब्जा करना चालू कर देते हैं। स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। इसी का उदाहरण शहर दरभंगा के डीएमसीएच परिसर अवस्थित डीएमसीएच रोड में भी देखने को लगातार मिल रहा है। कई बार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया पर हर बार प्रशासनिक अधिकारियों के हटते ही पुनः कब्जा हो जाता है। इसी कब्जे को हटाने के लिए एक बार पुनः डीएमसीएच परिसर में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान देर रात चलाया गया। सदर अंचलाधिकारी इंदिरा संसार एवं बेता ओपी अध्यक्ष हरेंद्र कुमार दलबल के साथ बुलडोजर लेकर रविवार रात करीब 10 बजे डीएमसीएच परिसर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। इतनी रात को पहुंचे अधिकारियों को देखकर कब्जाधारी अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अपने अपने सामान को हटाने के लिए दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। अभियान देर रात तक जारी रहा। मौके पर मौजूद सदर अंचलाधिकारी ने कहा कि कई बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद पुनः अतिक्रमण कर लिया जाता है। डीएमसीएच से अतिक्रमण हटाकर इसकी सूचना स्थानीय बेता ओपी को दे दी गई। यदि पुनः अतिक्रमण होता है तो इसकी जवाबदेही स्थानीय थाना की होती है। पिछले महीना ही मैं इसको हटवाया था। पूरा दिन भर 8 बजे रात तक, मैं सुबह से लेकर रात में 8 बजे तक हटवाया गया। उसकी सारी सूची बना के मैंने बेता ओपी को भी दिया। ये लिखते हुए CWJC 1990 अरुण कुमार मुखर्जी बनाम
हूँ, बिहार सरकार के आदेश में स्पष्ट है कि एक बार जहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाता है दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए संबंधित थाना जवाबदेह है। मैंने उसी आलोक में कोर्ट करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को मैंने लिखा, लेकिन फिर आज एक महीने के बाद स्थिति मैं देख रहा हूँ जस की तस है, और फिर रात में मुझे खड़ा हो गया। परमानेंट सोल्यूशन मेरे पास तो कोई नहीं, हमारा अतिक्रमण हटाना है, सोल्यूशन क्या है? DMCH कैंपस में कोई सोल्यूशन नहीं है, ये स्थानीय DMCH प्रशासन की भी कमी है, ये DMCH कैंपस के अंदर का। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। ग्रैब द स्पेशल एडमिशन ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा फ्रॉम 14th to 18th February, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीवच घाट, दरभंगा। नर्चरिंग इंडिया टुमारो, प्री नर्सरी टू ग्रेड 9। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। ग्लोरियस 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशंस आर फ्री। CPI ML नेता समेत 3 लोगों को बदमाशों ने मारी गोली। बिहार के सीवान जिले में रविवार को कुछ लोगों ने एक CPI ML नेता समेत 3 लोगों को गोली मार दी। घटना जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगधई गांव की है। थाने के SHO ने घटना की पुष्टि की है। घायलों को पहले दरौंदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, बाद में उन्हें सीवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर होने के बाद पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि रामगढ़ई गांव के कुछ लोगों ने धान की फसल में आग लगा दी थी, धान रमेश कुमार की थी। घटना की जानकारी मिलने पर CPI ML नेता जयशंकर कुमार स्थिति को देखने और उनका समर्थन करने के लिए वहां गए। जब जयशंकर कुमार रमेश और उसके परिवार वाले से बातचीत कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। चंद स्वार्थ के कारण मां कहलाने वाली भाभी ने कर दी देवर की हत्या। देवर और भाभी के रिश्ते को बेहद ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाभी को भाभी मां की भी संज्ञा दी गई है, लेकिन चंद स्वार्थ के कारण मां कहलाने वाली भाभी भी कभी हत्यारण बन जाती है। ऐसा एक वाक्या बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जहां भाभी ने अपने 3 सहयोगियों के साथ साजिश रचकर पहले देवर को अपने पास बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद सबको 3 किलोमीटर दूर ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन हत्यारी भाभी कानून के हाथों से नहीं बच पाई। दरअसल पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने 9 फरवरी की सुबह बेलवरगंज इलाके से शव बरामद किया। इसके बाद पुलिस शव को अज्ञात मानकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी, लेकिन जांच में जुट गई थी। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लोपुर, लहेरिया सराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. बिहार में नीतीश सरकार ने सदन में हासिल किया बहुमत, पक्ष में मिले 129 वोट, विपक्ष का वॉकआउट, तेजस्वी पर मुख्यमंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई, इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर टीका टिप्पणी देखने को मिली। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार के विश्वास मत पर वोटिंग से पहले विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद CM नीतीश के कहने पर उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने पक्ष में विधायकों को खड़ा होने कहा और उनकी गिनती करवाई। सरकार के समर्थन में 129 वोट पड़े। स्पीकर को हटाने के वक्त सरकार के पक्ष में 125 वोट ही पड़े थे। विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान 4 और वोट सरकार के पक्ष में
बढ़ गए। वहीं इस बहस से पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के रखे विश्वासमत प्रस्ताव पर बहस के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सदन में विश्वासमत का प्रस्ताव रखा जिस पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी है। जितने लोगों ने अपनी बात रखी है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि RJD को जब शिक्षा मंत्रालय दिया तो गड़बड़ी होने लगी, ये लोग कमाने में लग गए और यह बात मुझे मालूम चली तो अलग हो गए। अब हम सबकी जांच करवाएंगे।